संख्यालघु हो हिंदू समाज संकट रे देशर बहुसंख्यक हिंदू अस्तित्व धर्मांतरीकरण जरिया हिंदू विरोध में बड़ षड्यंत्र एक आम कहूनु कहते खुद अलाहाबाद हाइकोर्ट धर्मांतरीकरण संपर्कित एक मामलार जमीन आवेदन शुणी बेले टिप्पणी करिछंति कोर्ट अलाहाबाद हाइकोर्ट कहते जदि धार्मिक सभागुड़िक धर्मांतरीकरण प्रवृत्ति जारी रहे ताहले दिने भारत बहुसंख्यक समाज अल्प संख्यक हो धर्मांतरीकरण करा धार्मिक सभागुड़िक तुरंत रोक लगा दरकार एपरी सभार आयोजन संविधान अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वाधीनता अधिकार विरुद्धाचरण करुच्छेद क्या भी धर्म मानवा पूजा करने किंबा निज धर्म प्रचार कर स्वाधीनता प्रदान करुच्छे धर्म प्रचार स्वाधीनता क्या धर्मांतरीकरण अनुमति देना खाली से नुहे हाइकोर्ट आहरी कहते जनापड़ी उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजन मध्यम निरीह गरीब लोकों भ्रमित कर क्रिश्चियन स्थिति में धर्मांतरीकरण अभियोग गंभीरता को नजर रखी आवेदनकारी जमीन में छड़ा जा पारि ना इलाहाबाद हाइकोर्ट ने कहा है कि अगर धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो भारत के बहुसंख्यक बहुत जल्दी ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बात मैं कई वर्षों से कह रहा हूं और इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआई भी फाइल किया। मैं कई बार कह चुका हूं कि धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए और धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों और उनके मददगारों पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगाना चाहिए। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है इसलिए धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों पर यूएपीए लगाना चाहिए। हिंदू को क्रिश्चियन बनाया अभियुक्त हमीरपुर निवासी कैलाश जमीन आवेदन को खारज कर देते अलाहाबाद हाइकोर्ट विचारपति न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल। यह पूरा घटना आरंभ होता रामकली प्रजापति एफआईआर पर एतलार लिखिजे मानसिक असुस्थ भाई को अभियुक्त सप्ताहे दिल्ली नहीं जाता आईला चिकित्सा पर पुणी गांव को फेर आंतु फेरला ना आब फेर गांवर अनेक लोक दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को नहीं जाता जोठार से धर्मांतरीकरण कर दि जाता यह बदल में अभियोगकारी भाई को टा दि जाता एभली स्थित हाइकोर्ट टिप्पणी खूब गुरुत्व बहन कर। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जिस तरीके से धर्मांतरण पर टिप्पणी की गई कि अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा यह कटु सत्य है और बिल्कुल देश के लिए चिंतनीय है। अनेक पूरे देश में लव जिहाद के नाम पे बेटियों का धर्मांतरण कराया जाता है, उनके साथ हिंसा की जाती है। तो मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है, मेरा हर प्रदेश से निवेदन है कि हिंदुओं को और देश को बचाने के लिए जरूरी है कि कठोर से कठोर धर्मांतरण का कानून बनाए। एवं प्रश्न उठू धर्मांतरीकरण षड्यंत्रकारी लगे लगाम धार्मिक सभा ना धर्मांतरीकरण लग रोक धर्मांतरीकरण मध्यम हिंदू समाज विरोध में षड्यंत्र रचुवा लोकों प्रकृत मास्टर माइंड किए। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।